हमारे गांव का काफ़ी विकास हुआ है, यहाँ पे गड्ढे गड्ढे एकदम नज़र आ रहे हैं। चलिए हम आपको और दिखाते हैं गड्ढा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना विकास हुआ है हमारे गांव का। काफ़ी यहाँ पे आने जाने में काफ़ी दिक्कत नहीं आ रही है हमारे गांव में, और यहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे पूरा एकदम तो ये, और ये गाइस हमारे आने जाने में काफ़ी दिक्कत नहीं होता गाइस। यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। और गाइस यहाँ पे नदी बह रहा है गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं गाइस काफ़ी नदी निकल रहा है गाइस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाइस, और यहाँ पे कुछ है गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं गाइस। और गाइस और नदी दिखाते हैं गाइस आप लोगों को। तो गाइस तो ये रहा एक नदी, यहाँ से भी निकल रहा है गाइस पानी। और रोड में काफ़ी बहा हुआ है गाइस, यहाँ देख सकते हैं गाइस हमारा रोड काफ़ी बेहतरीन गाइस। यहाँ पे ये गाइस अभी तक देखो गाइस काफ़ी है गाइस, एक अच्छी सड़क यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, चलने में काफ़ी दिक्कत नहीं हो रही है। और देखते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी पड़ा हुआ है। तो गाइस हमारा रोड काफ़ी अच्छा लग रहा है और जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी बिगड़ा हुआ हालत है, न सरपंच ध्यान दे रहे हैं, न यहाँ का पब्लिक, गाँव लोगों का पब्लिक पूरा यहाँ काफ़ी एकदम गड्ढा भरा हुआ है, और बड़ी गाड़ी आने में तो काफ़ी दिक्कतें नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रहा यहाँ का दूरदर्शा हमारे गांव का, और ये रहा पानी टंकी, यहाँ पे पाइप जरा फूट गया है गाइस, अब देख सकते हैं गाइस यहाँ हमारे गांव के लिए गया है वो पाइप पूरा टूटा पड़ा है, तो पानी कहाँ से आया हमारे गांव में। ये रहा हमारा मेन रोड, इधर है केफानी, इधर है बमनी, और यहाँ से हम चले जाते हैं राजनग्राम, इधर लीला। तो गाइस हम बीच में फंस गए हैं, लीला चले जाएं या दमेड़ी या राजनग्राम, तो बराबर ही पड़ता है गाइस। तो गाइस यहाँ का डब्बा देख सकते हैं आप, केफानी दमेड़ी गोरखपुर कितना किलोमीटर है। अभी टाइम हुआ है शायद बज के 10 मिनट, और हम जन रोड पर घूमने को आए हैं। और गाइस हमारे गांव का हालत देख सकते हैं किस तरह से, ना कोई ध्यान दे रहा है, यहाँ पे रोड काफ़ी बिगड़ा हुआ है, और बरसात में तो काफ़ी बहुत दिक्कत आ रही है। वैसे तो हमारे पास बाइक आया है, तो की गाड़ी है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होता है गाइस। और यहाँ पाइपलाइन भी होते हुए गाइस, पाइपलाइन की वजह से पूरा रोड व्यस्त अस्त व्यस्त हो गया है, और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं गाइस। तो गाइस आप लोग कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।